विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर हासिल किया 5 दिन का पुलिस रिमांड। बता दें कि कुरुक्षेत्र की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में हरप्रीत सिंह उर्फ हैरीवासी हरगोविंद सिंह साहिब जिला गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना शहर थानेसर में दी गई अपनी शिकायत में सचिन राणा पुत्र सोहनलाल वासी मुंडाखेड़ी जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह विदेश जाना चाहता था। इसके लिए उसने हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी से मुलाकात की। इसके लिए उनके बीच विदेश भेजने के लिए 7 लाख रुपए में इकरारनामा हुआ। 6 अप्रैल 2023 को आरोपी द्वारा दिए गए खाते में उसने 2,50,000 रुपए खाते में जमा किए और 25 लाख रुपए गूगल पे और 10,000 रुपए पेटीएम और 4 लाख रुपए नगद दिए। इसके बाद आरोपी ने ना तो उनका वीजा लगवाया और ना ही उनके पैसे वापस किए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक शमशेर सिंह व बलबीर सिंह को सौंप दी गई। 13 जून को कुरुक्षेत्र की आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी के मार्ग निर्देश में सहायक उप निरीक्षक शमशेर सिंह की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी हरगोविंद सिंह साहिब वासी जिला गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने कार भी बरामद की है। आरोपी को मान्य अदालत में आज पेश किया गया और अदालत के आदेश से आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सर क्या बताएंगे? ये हमारे पास एक मुकदमा है 419 नंबर, इसमें कंप्लेंट है सचिन राणा, ये वासी मुंडा खेड़ा का रहने वाला ज्योति सर के पास। इसने 23/10/2023 में मुकदमा दर्ज करा था इमिग्रेशन का, इसका लड़का जाना था और ये हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी, ये बस स्टैंड के पास इनका ऑफिस था, इससे 7 लाख रुपये ले गए। ना तो इसका लड़का भेजा, इसके साथ ठगी करी थी, जो इस संबंध में हमने इसको कल गिरफ्तार किया है। इससे हमने रिकवरी करनी है मोबाइल पैसे, तो इसका 5 दिन का रिमांड लिया गया है। पूछताछ करेंगे और कहाँ कहाँ इसने इस प्रकार का क्राइम किया है, इसके खिलाफ और भी मुकदमे हो सकते हैं, अभी पूछताछ जा रही है। विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर हासिल किया 5 दिन का पुलिस रिमांड। बता दें कि कुरुक्षेत्र की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में हरप्रीत सिंह उर्फ हैरीवासी हरगोविंद सिंह साहिब जिला गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना शहर थानेसर में दी गई अपनी शिकायत में सचिन राणा पुत्र सोहनलाल वासी मुंडाखेड़ी जिला कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह विदेश जाना चाहता था। इसके लिए उसने हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी से मुलाकात की। इसके लिए उनके बीच विदेश भेजने के लिए 7 लाख रुपए में इकरारनामा हुआ। 6 अप्रैल 2023 को आरोपी द्वारा दिए गए खाते में उसने 2,50,000 रुपए खाते में जमा किए और 25 लाख रुपए गूगल पे और 10,000 रुपए पेटीएम और 4 लाख रुपए नगद दिए। इसके बाद आरोपी ने ना तो उनका वीजा लगवाया और ना ही उनके पैसे वापस किए। पैसे वापस मांगने पर आरोपी धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक शमशेर सिंह व बलबीर सिंह को सौंप दी गई। 13 जून को कुरुक्षेत्र की आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी के मार्ग निर्देश में सहायक उप निरीक्षक शमशेर सिंह की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी हरगोविंद सिंह साहिब वासी जिला गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने कार भी बरामद की है। आरोपी को मान्य अदालत में आज पेश किया गया और अदालत के आदेश से आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सर क्या बताएंगे?
ये हमारे पास एक मुकदमा है 419 नंबर, इसमें कंप्लेंट है सचिन राणा, ये वासी मुंडा खेड़ा का रहने वाला ज्योति सर के पास। इसने 23/10/2023 में मुकदमा दर्ज करा था इमिग्रेशन का, इसका लड़का जाना था और ये हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी, ये बस स्टैंड के पास इनका ऑफिस था, इससे 7 लाख रुपये ले गए। ना तो इसका लड़का भेजा, इसके साथ ठगी करी थी, जो इस संबंध में हमने इसको कल गिरफ्तार किया है, इससे हमने रिकवरी करनी है मोबाइल पैसे। तो इसका 5 दिन का रिमांड लिया गया है, पूछताछ करेंगे और कहां कहां इसने इस प्रकार का क्राइम किया है, इसके खिलाफ और भी मुकदमे हो सकते हैं, अभी पूछताछ जा रही है।